अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ 100 सिंपल इंग्लिश वर्ड्स फॉर डेली यूज। माय एम फॉर दिस सीरीज इज टू एक्सप्लेन कॉमन इंग्लिश वर्ड्स फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर बिगनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस मीन्स हैविंग ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज और समवन एल्स। अगर आपको अपनी एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको ये यकीन है कि ये कोई ख़ास काम करने की सलाहियत मेरे अंदर मौजूद है, इसकी एबिलिटी मेरे अंदर मौजूद है, और इस यकीन को आप अपना कॉन्फिडेंस कहेंगे। इसी तरह से अगर आपको किसी दूसरे इंसान के ऊपर ये यकीन है कि वो इंसान ये पर्टिकुलर काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आपको उस दूसरे इंसान के ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये जो यकीन है ना किसी के ऊपर कि आपके अपनी ज़ात के ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो आपका अपने लिए कॉन्फिडेंस है। और अगर आपको ये यकीन किसी दूसरे के लिए है कि वो ये पर्टिकुलर काम कर सकता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस उस दूसरे इंसान के लिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस उस यकीन का नाम है जो आपको, उस ट्रस्ट का नाम है जो आप, उस बिलीफ का नाम है जो आपको अपने ऊपर होता है कि आप एक पर्टिकुलर काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू क्रैक दिस इंटरव्यू। इसका मतलब यह है कि मुझे कॉन्फिडेंस है, मतलब मुझे ट्रस्ट है, मुझे बिलीव है कि मैं, मेरे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि मैं इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज एकेडेमिया। एकेडेमिया आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब ये होता है एन एनवायरमेंट रिलेटेड टू लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, टीचिंग के लिए, पढ़ाने की जो एक एनवायरनमेंट होती है जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और सीखा जा रहा है, ठीक है। जैसे टीचर्स होते हैं, टीचर्स मौजूद हो, स्टूडेंट्स मौजूद हो, उस एनवायरनमेंट को आप एकेडेमिया कहते हैं। और ये एक एनवायरनमेंट हमें कहाँ नज़र में आती है, ये स्कूल्स में नज़र आती है, कॉलेजेस में नज़र आती है, यूनिवर्सिटीज़ में नज़र आती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें कि पढ़ाने का और सीखने का माहौल हो, तो उसको आप एकेडेमिया कहेंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा, This university is known for its academia. ये जो यूनिवर्सिटी है वो अपने academia के लिए मशहूर है। मतलब ये कि इस यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो बहुत ही पढ़ाई वाला माहौल है, जहाँ पर स्टूडेंट्स भी सीरियस हैं और जहाँ पर टीचर्स भी सीरियस हैं। यहाँ पर बहुत ही लर्निंग एटमोसफियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज abandon. Abandon का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन। किसी भी चीज़ को छोड़ देना, इसका मतलब आपने उस चीज़ को abandon कर दिया। किसी जगह को अगर आपने छोड़ दिया है, पहले उस जगह पर रहते थे, अब आपने उस जगह को छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि आपने उस जगह को अबैंडन कर दिया है। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को छोड़ देते हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने उस इंसान को अबैंडन कर दिया है, ठीक है। इसका सेंटेंस होगा, हर पेरेंट्स अबैंडन हर इन हर चाइल्डहुड। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसने उसको उसके चाइल्डहुड में उसको अबैंडन कर दिया था। मतलब कि जब वो छोटी सी थी तो उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट वर्ड इज एबल। एबल का मतलब होता है हैविंग स्किल और पावर टू डू समथिंग। जैसे हमने कॉन्फिडेंस पढ़ा था, कॉन्फिडेंस ये होता है कि आपको बिलीव होता है, आपको ट्रस्ट होता है कि आप वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, ठीक है। एबल का मतलब ये होता है कि आपके आपके अंदर वो स्किल और पावर मौजूद है कि आप उस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपके अंदर वो पावर और स्किल मौजूद है, तो आप कहेंगे कि आई एम एबल टू डू दैट। मतलब कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आप वो जो अपना कर सकना है ना, कि आई कैन डू इट, उसके लिए आप ये एबल जो वर्ड है उसको यूज करते हैं कि यस, मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं ये पर्टिकुलर काम कर सकता हूँ। इट मीन्स कि आई कैन डू दैट को अगर आप रिप्लेस कर दें, आई एम एबल टू डू दैट, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत मौजूद है। इसका सेंटेंस होगा, ही वॉज एबल टू कोड अ गेम एट द एज ऑफ 12। मतलब कि उस वो 12 साल की उम्र में इस काबिल था कि वो एक गेम को कोड कर सकता। तो उसकी कोडिंग नहीं, जो जो टेक से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, उनके वो पीछे कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये जो गेम्स जो डेवलप होती हैं, इनके पीछे कोडिंग की जाती है। तो 12 साल की उम्र में उसके अंदर ये स्किल मौजूद थी, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो एक गेम की कोडिंग कर सकता था। नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट। About means concerning. Concerning का मतलब है कि किसी के बारे में अगर कोई बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अबाउट ये बात हो रही है, ठीक है। किसी कोई चीज़ अगर किसी के बारे में है ना, तो आपने ये कहना उसके लिए, वो जो बारे में जो कंसर्न है कि किससे कंसर्न है ये चीज़,
या ये बात किससे कंसर्न्ड है, ये किसके बारे में है। तो ये बारे के लिए हम जो वर्ड है ना अबाउट ये यूज करते हैं बताने के लिए कि किसके मुतल्लिक ये बात है। मुतल्लिक में वर्ड जरा उर्दू ज्यादा हो जाती है तो अक्सर मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप उर्दू जरा कम यूज किया करें, तो इसलिए मैं थोड़े आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अबाउट जो है इट मीन्स कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे अभी सेंटेंस में आपको समझ में आएगा वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, अब कोई लोग हैं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इंसान को लग रहा है कि शायद ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो वह अगर आपने ये कहना है कि नहीं हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, तो आप कहेंगे वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मतलब कि हम तुम्हारे बारे में, ये जो हमारी बात है वो तुमसे कंसर्न्ड नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मुतल्लिक नहीं है, तुम्हारे बारे में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है इन और टू अ फॉरेन कंट्री। इसको सिंपली आप इस तरह से याद कर लें कि अब्रॉड का मतलब है बाहर का कोई मुल्क, फॉरेन कंट्री। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री में है तो उसके लिए भी अब्रॉड यूज होगा, कोई फॉरेन कंट्री की तरफ जा रहा है, फॉरेन कंट्री से आ रहा है, मतलब अब्रॉड का मतलब फॉरेन कंट्री होता है, बाहर का कोई मुल्क। इसका सेंटेंस होगा ही इज अब्रॉड। ही इज अब्रॉड का मतलब ये होता है कि वो बाहर है। ठीक है, और इसका सेकेंड सेंटेंस होगा ही रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, कि वो अभी रिसेंटली, अभी कुछ अरसा पहले, रिसेंटली हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना कुछ अरसा पहले की कोई बात हुई हो ना, अभी ज्यादा वक्त ना उसको गुजरा हो, वक्त थोड़ा ही गुजरा, उसके लिए हम ये रिसेंटली वर्ड जो यूज करते हैं। ही रिसेंटली रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड कि वो अभी अभी बाहर से, किसी बाहर के मुल्क से, किसी फॉरेन कंट्री से वापिस आया है। नेक्स्ट वर्ड इज एब्सेंस। An absence means a state of being away. कोई इंसान अगर कहीं दूर है, वो जहां पर आप हैं वहां पर वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान उस जगह से जहां पर आप मौजूद हैं वहां से वो absent है, मतलब कि वो वहां पर नहीं है। और उसकी स्टेट के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो एब्सेंस होगा। जो मैंने पहले वर्ड यूज किया ना एब्सेंट, उसमें एंड पे टी है, ठीक है, कोई इंसान मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे वो इंसान एब्सेंट है, वो वहां पर जहां पर आप मौजूद है वो वहां पर मौजूद नहीं है, वो कहीं और है। ठीक है, और अगर आपने उसकी स्टेट बतानी है तो वो कहे, उसके लिए आप ये वर्ड एब्सेंस यूज करेंगे। इसका जैसे सेंटेंस होगा डोंट मेक नॉइज इन माय एब्सेंस। ये अक्सर टीचर्स यूज करते हैं, जब कभी आपने सुना क्लास में जब होते टीचर्स जब क्लास को छोड़ के जा रहे होते कहीं उन्होंने थोड़ी देर के लिए बाहर जाना हो तो टीचर्स अक्सर ये जुमला बोलती हैं डोंट मेक नॉइज इन माय एब्सेंस, मतलब कि जब मैं बाहर हूँ, मेरी जो ये बाहर होने वाली जो कंडीशन है, जो स्टेट है, मेरी जो गैर हाजिरी है, इसमें नॉइज मत कीजिएगा, इसमें शोर मत मचाइएगा। ठीक है, तो अब टीचर जो है वो बाहर चली गई है, शी इज अवे, वो कहीं दूर है और उनकी जो पीछे जो जो कंडीशन है, वो जो स्टेट है वो क्या है, उनकी गैर हाजिरी की स्टेट है। ठीक है, तो उसमें वो ये कह रही है कि उसमें आपने शोर नहीं मचाना है जब मेरी गैर हाजिरी वाली स्टेट होगी, जब वो वाली कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन आई एम एब्सेंट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल परफेक्ट। कोई चीज अगर आपने बतानी है ये टोटली ऐसी है, ये परफेक्टली ऐसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड एब्सोल्यूट जो है वो यूज करते हैं। इसको सेंटेंस में आपको समझ में आएगी, इट्स एन एब्सोल्यूट लाई, मतलब कि ये एक टोटल मुकम्मल कंप्लीट परफेक्ट लाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये झूठ नहीं है, इसमें इस बात का कोई शक नहीं है। एब्सोल्यूट हमेशा आप वहां यूज करते हैं जब चीज कंप्लीटली वैसी हो, जब परफेक्टली वैसी हो, जब टोटली वैसी हो और उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो, कोई डाउट ना हो। अब नेक्स्ट वर्ड इज एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब होता है टू टेक समथिंग इन। कोई चीज अगर किसी, नॉर्मली हम ना लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, किसी लिक्विड को अगर कोई दूसरा स्टफ जो है वो अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर ले लेता है उसको, तो इसका मतलब है कि उसने उस चीज को अब्सॉर्ब कर लिया है। ठीक है, जैसे जमीन पे पानी गिर गया है तो आप कोई कपड़ा लाकर उस पानी को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो कपड़ा है ना वो उस पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब कि उस पानी को अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी स्टफ होते हैं जो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर ले, इट मींस कि उन्होंने उसको अब्सॉर्ब कर लिया है। इसका सेंटेंस होगा कॉटन विल अब्सॉर्ब ऑल द इंक। जो कॉटन है, कोई इंक गिर गई है,
तो वो जो कॉटन से आप उस इंक को अगर साफ करें तो वो तमाम जो इंक है उसको अपने अंदर ले लेगी, मतलब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी। आ लास्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू अग्री टू टेक समथिंग। किसी ने कोई चीज दी आपको और आप राजी हो जाते हैं उससे, उस चीज को लेने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कबूल कर लेना। ठीक है, तो कबूल कर लेने को, राजी हो जाना किसी से कोई चीज ले लेने को, उसको एक्सेप्ट करना कहते हैं। और इसका सेंटेंस होगा, आई डोंट नो वेदर शी विल एक्सेप्ट माई गिफ्ट। मुझे नहीं पता, वेदर का मतलब होता है आया, कि शायद, कि पता नहीं, जब हम इस कंडीशन में, तो ना कंफ्यूज कंडीशन में, कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, जिसको हम उर्दू में आया बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेदर वहां पे यूज होता है, कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि शायद शी विल एक्सेप्ट माई गिफ्ट, के वो मेरा गिफ्ट लेगी कि नहीं लेगी। ये जो वेदर है ना, ये होगा कि नहीं होगा, ये उस कंफ्यूज जो हमारी स्टेट होती है ना माइंड की, उसके लिए हम लगाते हैं कि पता नहीं वो ऐसा करेगा कि या नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह की कंफ्यूज स्टेट हो तो हम वेदर जो है वो यूज करते हैं। राइट, ओके जी, खत्म हो गया आज का लेसन। आई होप कि लेसन पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।